हमें पढ़ना तो पड़ेगा, पार्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो ये है डिटरमिनेंट्स। तो है क्या बेसिकली डिटरमिनेंट्स विद ईच एन बाय एन स्क्वायर मैट्रिक्स वो एसोसिएट क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं नंबर कार्ड, कोई भी जो नंबर से एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जो एसोसिएट होता है उसको हम क्या कहेंगे, कार्ड इट्स डिटरमिनेंट। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी हुई है ए इज इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, आपके पास ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री लिखी है। ठीक है, तो इसके डिटरमिनेंट को आप किससे डिनोट कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए या इसके गिर्द आप ऐसे मॉड का साइन लगा देंगे, ये भी डिटरमिनेंट को, ये इसकी नोटेशन है। ये क्या है इसकी, ये इसकी नोटेशन है। ठीक है, ये आप लोगों ने खैर पहले ही बोला। अच्छा, तो अगर हम सिंपल अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं किसी टू बाय टू मैट्रिक्स का, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, फॉर ये तो बहुत आसान सी चीज है, अगर आपके पास ए लिखा हुआ है ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, आप इनके डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल टू टू के केस में, ए वन वन ए टू टू माइनस ए वन टू ए टू। ठीक है, फिर इसके बाद जो टॉपिक आता है आपके पास वो आता है माइनर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी जरूरत कब पड़ती है, फॉर थ्री क्रॉस थ्री आर अबव स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किस केस में आपको जरूरत पड़ती है, जब थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स हो या उससे अबव। ठीक, तो हम कैसे किसी किसी भी मैट्रिक्स के माइनस कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए मैट्रिक्स लिखी हुई है जैसे हमने पहले लिखा था ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, तो पहले चले हम इनके माइनस की बात कर लेते हैं, माइनस क्या होंगे इसके, हाँ जी माइनर क्या होंगे इसके, एम वन वन, एम वन वन बेसिकली क्या है, आप फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं, इसको ड्रॉप करेंगे अंदर क्या रह जाएगा, ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री, तो ये माइनर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको तो हमने टू बाय टू का तो अभी अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ये क्या बन जाएगा ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए थ्री टू। सिमिलरली एम वन टू आप कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप ड्रॉ कर दें। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को क्या रह जाएगा आपके पास, ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री, ये क्या आ जाएगा आपके पास ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन ए टू थ्री। एंड सिमिलरली आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एम वन थ्री कैलकुलेट करेंगे वो भी आप, और इसी तरीके से आप क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एम वन थ्री के बाद एम टू वन एम टू टू एम टू थ्री एम थ्री वन एम थ्री टू और एम थ्री थ्री, ये सारे माइनर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने एम वन वन निकाल लिया, आपने फर्स्ट एलिमेंट को ड्रॉप किया,
फॉर एग्जाम्पल अगर एम टू थ्री आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एम टू थ्री, तो आप ये एम टू थ्री, ठीक है ना, तो आप इस रो को आप ड्रॉप कर दें, इस कॉलम को ड्रॉप कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम टू, ए वन वन, ए वन टू, ए थ्री वन, ए थ्री, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये माइनस होंगे आपके पास, ठीक होगी बात, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, माइनस। अब देखें कोफैक्टर्स क्या होंगे, कोफैक्टर्स में सबसे पहले सी वन वन आप कैलकुलेट करते हैं, सी वन वन, सी वन वन क्या होगा, माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस वन, ये वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एम वन वन, एम वन वन क्या था, ये आपके पास माइनर था, ठीक है, तो कोफैक्टर के अंदर माइनर ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो माइनस वन रेज टू पावर वन क्या आ जाएगा आपके पास, ये पॉजिटिव वन, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव ही होगी, तो एम वन वन रह जाएगा आपके पास। सी वन टू क्या आ जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस टू, एम वन टू, एम वन टू क्या होगा, वन प्लस टू दैट इज थ्री, माइनस वन रेज टू पावर थ्री इज नेगेटिव की पावर, अगर ऑड हो तो नेगेटिव आता है, एम वन टू आ जाएगा। सिमिलरली सी वन थ्री क्या बन जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस थ्री, एम वन थ्री, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव आ जाता है, तो एम वन थ्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जिनका सम इवन आ रहा है वो पॉजिटिव में आएंगे और जिनका सम ऑड आ रहा है वो नेगेटिव में आएंगे, ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है वैसे। सी टू वन इन ऑड बनेगा माइनस एम टू वन, सी टू टू पॉजिटिव, एम टू टू, सी टू थ्री, एम टू थ्री नेगेटिव में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करेंगे सी थ्री वन तो ये पॉजिटिव एम थ्री वन, सी थ्री टू ये पॉजिटिव नेगेटिव एम थ्री टू आ जाएगा, और सी थ्री थ्री क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एम थ्री थ्री, तो ये आप सारे के सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है नहीं, तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है आपके पास, फाइंड ऑल द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, अगर मैं सिंपल कोफैक्टर भी कह दूं तब भी आपको माइनस निकालने पड़े, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स, फॉर ए मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है आपके पास, जीरो टू वन, थ्री माइनस वन टू, फोर जीरो वन, तो माइनस क्या होंगे इसके, एम वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस वन टू जीरो वन, तो ये क्या इसका आंसर आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्ट करें, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस जीरो मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज इक्वल टू माइनस। सिमिलरली एम वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको आप ड्रॉप कर देंगे, बाकी थ्री टू फोर वन आ जाएगा, तो ये थ्री मल्टीप्लाई बाय वन माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री माइनस एट दैट इज माइनस फाइव। तो इस तरीके से आप सारी की सारी वैल्यूज, एम वन थ्री क्या आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, ये फोर आ जाएगा, एम टू वन क्या आ जाएगा आपके पास, ये टू आ जाएगा, एम टू थ्री क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी एम टू टू ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस फोर, एम टू थ्री क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस एट, एम थ्री वन ये फाइव आ जाएगा, एम थ्री टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये है माइनस थ्री, और एम थ्री थ्री क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस सिक्स, ठीक है, तो यूं आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते, ठीक है बच्चों, ये तो आपने माइनर कैलकुलेट कर लिया, ठीक, ये सारे के सारे क्या थे, माइनर्स। अब कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स में क्या चाहिए आपको, सी वन वन पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में एम वन वन, एम वन वन की क्या वैल्यू थी, माइनस वन, सी वन टू दैट इज माइनस एम वन टू, तो नेगेटिव ये कितनी वैल्यू थी इसकी, नेगेटिव फाइव,
तो ये पॉजिटिव 5 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सी 1 3 क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव एम 1 3। एम 1 3 की क्या वैल्यू है, एम 1 3 की वैल्यू 4 है, ठीक है। सिमिलरली आप सी 1 4 क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी 1 4 नहीं, 2 1, 2 1, 2 1 की वैल्यू आपके पास बन जाएगी -2, ठीक है। सी 2 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, -4। सी 2 3 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, +8। सी 3 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 5। सी 3 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। और सी 3 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -6, ठीक है। तो यूं आपने माइनर और कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर। इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? वो तो आगे चल के बताता हूँ ना, ये तो अभी मैंने माइनर और कोफैक्टर बनाए, इसी से आगे चल के आपने वो डिटरमिनेंट। सर कोफैक्टर माइनर के बगैर नहीं निकाले जा सकते, मतलब यहाँ पे ये असल में एक तरतीब बनी हुई है ना, तरतीब ये है कि आप माइनर निकालेंगे तो कोफैक्टर ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। वैसे अगर आपको माइनर ना भी निकालें, डायरेक्ट भी आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आप क्या करें, देखें एक कोफैक्टर आपने निकालना हो, जैसे ये लिखा हुआ है सी 1 1, आपने क्या करना है, -1 raised to power 1 plus 1, उस रो और उस कॉलम को आप ड्रॉप कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दें, तो क्या आ जाएगा, a 2 1, बल्कि a 2 2, a 2 3, a 3 2, a 3 3, डायरेक्ट आप लिख दें तब भी कोई। इनको हम माइनर्स कहते हैं, बस एक नोटेशन आपने याद रखनी, ये माइनर्स है आपके पास, सही है। जिस रो और कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं, उसके अलावा बाकी जो रह जाता है उसको आप माइनर कहते हैं। ठीक ठीक सर, ये निकालते क्यों हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, आगे जाके अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे 3x3 का, तो जब 3x3 के डिटरमिनेंट के ऊपर आप पहुंचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, और आगे जाके इसी में चैप्टर में आगे जाके इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट की कैसे एप्लीकेशन आप बनाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो आपको वजह भी समझ आ जाएगी कि हम डिटरमिनेंट ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वजह है कि हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, दूसरी ये वजह है कि डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, वो आगे चल के चले बताता चल। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें कि एग्जाम्पल ही हमारे पास, क्या है एग्जाम्पल आपके पास कि आपने सिंपल 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे करना, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या है आपके पास 1 -2 3, 2 1 -1, -2 -1 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका ए डिटरमिनेंट आप कैसे करेंगे, किसी भी रो या कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड कर, एक्सपेंडिंग बाय रो वन के साथ इसको एक्सपेंड कर। तो क्या मैंने तरीका बताया था, अब आपने ये करना है कि ये जो पहले नंबर पे एलिमेंट आ रहा है, कि क्या एलिमेंट आ रहा है, a11 मल्टीप्लाई बाय c11। c11 क्या था, ये तो एलिमेंट है और ये क्या आपके पास, ये कोफैक्टर है अगर आपको याद, ठीक है। और प्लस a12 c12, ठीक है, a13 c13। अब a11 इसमें क्या है, देखें a11 1 है क्योंकि फर्स्ट रो के साथ, और c11 हम कैलकुलेट कर लेंगे, a12 क्या आपके पास -2 है, और c12 हम कैलकुलेट कर लेंगे, a13 क्या आपके पास 3 है, और c13 हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब c13 अभी आपने फार्मूला पढ़ा था कैसे कैलकुलेट करते हैं, -1 raised to power 1 plus 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर, माइनर क्या था c11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दें तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, 1 -1 -1 एंड 2 -2,
ये पूरा आपने को फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, फिर माइनस वन रेस्ट पावर वन प्लस टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ड्रॉप करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ड्रॉप करें, टू माइनस वन माइनस टू टू, फिर लास्ट वाला आपके पास थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन रेस्ट पावर वन प्लस थ्री, रो और कॉलम को ड्रॉप कर दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप ड्रॉप कर, तो क्या आ जाएगा आपके पास टू वन माइनस टू माइनस, ठीक होगी बात। तो ये सारा क्या बन जाएगा, माइनस वन की पावर टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें जैसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं टू बाई टू का, क्या आ जाएगा टू माइनस वन आ जाएगा, ये नेगेटिव पावर आ जाएगी, माइनस वन की पावर ऑड नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव टाइम नेगेटिव पॉजिटिव टू, और इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करें फोर माइनस टू आ जाएगा, और ये नेगेटिव की पावर इवन इवन नंबर ही आएगा, सॉरी पॉजिटिव नंबर ही आएगा प्लस थ्री और माइनस टू एंड प्लस टू आ, तो ये देखें ये क्या रह जाएगा आपके पास, ये इवन नंबर ही है, माइनस वन की पावर इवन पावर है, तो ये इवन नंबर ही आएगा आपके पास, ये वन मल्टीप्लाई बाय टू टू इज अ फोर प्लस जीरो, तो ये फाइव इसका डिटरमिनेंट आ, क्या इसका आंसर है फाइव, ठीक है। आप किसी और रो के साथ एक्सपेंड करें तब भी इसका आंसर फाइव आएगा, ठीक है, किसी और रो के साथ एक्सपेंड कर लें या किसी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर, ठीक है, मैं इसको एक्सपेंडिंग बाय कॉलम थ्री कर लेता हूं, ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा आपके पास, ये है कॉलम थ्री, ठीक है, थ्री माइनस वन रेस्ट पावर थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इस रो और इस कॉलम को आप ड्रॉप कर दें, क्या रह जाएगा टू वन माइनस टू माइनस प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आपके पास माइनस वन, माइनस वन की पावर ये क्या बन रहा है आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस रो और कॉलम को आप ड्रॉप कर दें तो क्या आ जाएगा वन माइनस टू एंड माइनस वन, फिर प्लस ये लास्ट में जो सा नंबर है ये है टू और माइनस वन की पावर थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस रो और कॉलम को आप ड्रॉप कर दें तो क्या रह जाएगा आपके पास वन माइनस टू टू वन, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस वन की पावर इवन तो ये पॉजिटिव नंबर देगा थ्री, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें ये माइनस टू और ये प्लस टू, ये माइनस वन की पावर ऑड है तो नेगेटिव नंबर देगा, ये भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन, ये क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस फोर आ जाएगा, ये नेगेटिव की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव नंबर देगा टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस फोर, तो ये सारे को सिंप्लीफाई करें तो ये क्या, ये तो कैंसिल हो जाता है, ये बन जाता है नेगेटिव फाइव और ये क्या बन जाएगा टेन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस फाइव, तो देखें यूं भी इसका आंसर फाइव आया था और यूं भी इसका आंसर क्या आया था, तो जिस मर्जी रो या जिस मर्जी कॉलम के साथ उसको एक्सपेंड कर दें आंसर उसका सेम आएगा, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि कोई हम दो रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और उसमें से दो तीन वैल्यूज को जीरो करके सिर्फ अगर एक वैल्यू बचे उसका हम वो इसी तरह का काम कर लें। अच्छा आगे जाके इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं वो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप कहेंगे कि ठीक है हम इसको हर एंगल के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अरे ये जैसे हम लोग एफएससी में डिटरमिनेंट निकालते हैं 3 बाय 3 का उस तरह भी तो कर सकते हैं ना, ये वही है ना, आपको पहले नामों का नहीं पता था, अब नाम का पता लग गया, ठीक है, प्रोसीजर तो यही था किसी रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड करते थे, ऐसे ही नहीं करते थे, यस सर, ये आपने ये एलिमेंट लिया और इसके साथ पॉजिटिव साइन आता है, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ, तो यूं आप चलते थे, ठीक है, तो प्रोसीजर वही है, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैसे आते हैं, उस रो और कॉलम की पावर आप देख लेते हैं, एज अ पावर ले लेते हैं माइनस वन की, ठीक है, प्रोसीजर ये वही है। okay, तो एक और भी इसमें एक और मेथड, अच्छा अगर आपके पास
आ जाए 4x4 का डिटरमिनेंट करना हो तो प्रोसीजर आपके पास यही है। फिर भी जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है आपके पास, एग्जांपल ये लिखी हुई है कि एक ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके पास 1-1, 0-3, -2, 1, 2, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 2, 3, -2। हम यहाँ पे किस रो या कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड करें, कौन बताएगा मुझे? एक्सपेंडिंग बाय कौन से रो या कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड किया जाए? पहली रो से कर ले, फिर फर्स्ट रो से करें। अभी फर्स्ट रो के साथ इसको एक्सपेंड करें, C4 से भी कर सकते हैं सर, C3 से करें, ज्यादा आसानी है। यस सर, कॉलम थ्री में ये बेनिफिट हो जाएगा, इसके ज्यादा जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसके साथ इसको एक्सपेंड करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो इस रो और कॉलम को आप छोड़ दें, ठीक है, बाकी को मतलब इस थ्री को लिया ना आपने, इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप कर दें, क्या रह जाएगा? -1, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 4, -2। अब बाकी नंबर क्या हो जाएंगे जब इसके साथ इसको एक्सपेंड करेंगे? प्लस जीरो, अंदर वो सारे का सारा मल्टीप्लाई होगा जीरो, प्लस फिर ये वाला जीरो, सारे का सारा जीरो प्लस जीरो। तो जब इस रो और इस कॉलम को रखेंगे तो ये सारे को जीरो कर देगा, क्योंकि इसके बाहर भी जीरो आ रहा है, इसके बाहर भी जीरो आ रहा है, उसके। तो अब आपके पास ये रह गया, ये आ गया -1 की पावर e1, पॉजिटिव नंबर देगा तो पॉजिटिव 3 आ जाएगा। अब मुझे बताएं हमने इसको दोबारा एक्सपेंड करना है, अब किस रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड करें? फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं या सेकंड रो भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 2। ठीक है, तो रो 2 में जो आपके पास पहला नंबर आ रहा है वो आ रहा है 0, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर दूसरा नंबर क्या आ रहा है, इसके साथ हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, कौन सी रो कौन सा कॉलम है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 times of second row second column। इसके अलावा बाकी को, इस रो और इस कॉलम को आप ड्रॉप कर दें, क्या आ जाएगा? -1, 2, 3, -2। फिर 3 आ गया, 3 के बाद आप -1 की पावर कौन सी बनती है इसकी? सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस रो और कॉलम को आप ड्रॉप कर दें, ठीक है, इस रो और कॉलम को आप ड्रॉप कर दें तो क्या बनेगा? -1, 1, 3, 4। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स को आप क्लोज कर हमेशा यहाँ, ठीक है ना। तो अब देखें इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास। हाँ जी बच्चों, 3 ये इवन बनेगा पावर 2, ये -2 बल्कि +2 और -6, ये -3 और -4, इसको सिंपलीफाई कर लें, ये कितना बनता है? -4 -8 बन जाएगा और ये -7, 7, 21 +21। इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो कितना आंसर आता है? 21 -8 कितना रह जाएगा आपके पास? 13, 13 3 is 39। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात या नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब 3x3 के लिए आपके पास थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, ये सिर्फ 3x3 के लिए, ठीक है। इसको इसको हम यूजली डायगोनल प्रोसेसर प्रोसेस भी कहते हैं,
डायगनल प्रोसेस फॉर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। और एक बात और भी है, दिस मेथड इज या दिस मेथड या प्रोसीजर इज ओनली वैलिड फॉर 3x3, ये सिर्फ 3x3 के लिए वैलिड है, ठीक है। यानी ये सारी तीनों बातें आप याद करना। क्या होता है, आपने आपके पास अगर ए कोई भी मैट्रिक्स लिखी हुई है, ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो आपने अगर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप इनको रीराइट करें, A11, A12, A13, A11, A12 को आप रिपीट कर, ये आपने रिपीट किया, ठीक है। फिर A21, A22, A23, A21, A22, A31, A32, A33, A31, A32, आपने रिपीट कर लिया, ये पूरे का पूरा रिपीट हो गया। अब आप यू एरो साइन लगाएं, ऐसे इनका प्रोडक्ट करें, इनका प्रोडक्ट करें, इन तीनों का प्रोडक्ट करें, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट। फिर आप इन तीनों का प्रोडक्ट करें, इन तीनों का प्रोडक्ट करें, और आप इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, A11, A22, A33 प्लस A12, A23, A31 प्लस, इनको आप मल्टीप्लाई करें, A13, A21, A32, तो ये सारे आपस में ऐड हो, ठीक है। और हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, फॉर डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, ठीक, ये डिटरमिनेंट के लिए, ठीक। तो सिमिलरली अब आप इनको भी मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो ये जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, A31, A22, A13 प्लस A32, A23, A11 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस A33, A21, ठीक है। आपने इनको भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, ये इसको हम लोअर वो कह देंगे, लोअर सम, और इसको हम अपर सम कह देंगे, ठीक है। ठीक है, अब आप क्या करें, ए डिटरमिनेंट आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने लोअर सम से अपर सम को सब्ट्रैक्ट करवा देना, ठीक है। तो आपके पास ये सारे का सारा आंसर आ जाए, क्लियर होगी बात या नहीं। हाँ जी बच्चों, ठीक है या नहीं। हमने एक एग्जांपल की थी अभी थोड़ी देर पहले, ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, 1, 2, -2, -2, 1, -1, 3, -1 and 2, और इसका आंसर क्या आया था वहां पे, वो 5 आया था। देखना इस प्रोसीजर से भी इसका आंसर 5 ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको 1, -2, 3 दोबारा रीराइट करते हैं, 1 and -2, ठीक है, ये हमने दोबारा, फिर 2, 1, -1, 2, 1, फिर -2, -1, 2, -2, -1, ठीक होगी वो। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनता है, ऐड होके 3 1s 3 and 3 times -2, ये -6, मतलब ये सारे ऐड होके क्या बनेंगे, एक बन जाएगा -6, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये +1, फिर ये वाला नंबर क्या बनेगा, 2 2s 4, 4 2s 8, तो ये -8 बन, ठीक है। और अब लोअर
हाँ जी, इसका क्या आंसर बनता है आपके पास? ये बनेगा टू वन जा टू प्लस, ये नेगेटिव में आंसर देगा, टू टू जा फोर, और ये भी नेगेटिव में आंसर देगा, माइनस थ्री टू जा सिक्स। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? माइनस एट माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन प्लस वन माइनस थर्टी। ये क्या दे रहा है आपको? सिक्स प्लस फोर टेन, माइनस टेन प्लस एट प्लस टू, तो माइनस एट दे देगा। ठीक है, तो मैंने आपको ए डिटरमिनेंट का क्या फॉर्मूला बताया था? लोअर सम से अपर सम को आपने, ये आपके पास अपर सम है, ये आपके पास लोअर, ठीक है, तो इनको जरा सब्ट्रैक्ट करवाएं। तो माइनस एट माइनस माइनस थर्टी, तो कितना आंसर आता है? प्लस। क्या यही नहीं चाहिए था आपको आंसर? तो देखें, इस डायगनल मेथड के साथ भी आपका आंसर वही आया जो हमारे पास सिंपल डिटरमिनेंट वाले मेथड से आया है। लेकिन ये बात याद रख रहे हैं, ये वाला जो मेथड है ये ओनली एप्लीकेबल है थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलो।